दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज़। मतलब कि दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्यों इंडिया में सिर्फ 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ किया जाता है, हम 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अमेरिका जापान जैसे देशों में 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हमारी हिस्ट्री में छुपा है कि क्यों हम 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज फिर से आपको ले चलता हूँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास के पन्नों में। दोस्तों कहा जाता है कि लगभग 1600 ईसा पूर्व में हमारी इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था, जो आज के अमेरिका देश में हुआ था। तो उस टाइम पर डीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई का ही यूज़ किया जाता था, जो कि सिर्फ 110 वोल्ट डीसी सप्लाई थी, जो उस टाइम पर पूरी दुनिया में इकलौती कंपनी थी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी का ओनर थॉमस एडिसन था और कंपनी का नाम जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी था। लेकिन इसके 5 या 10 साल के बाद निकोला टेस्ला ने एसी सप्लाई का आविष्कार किया, जो कि 3 फेज 60 हर्ट्ज़ 240 वोल्ट थी। तो दोस्तों निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज़ को ही क्यों चुना? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर आर्क लैंप का यूज़ किया जाता था। तो निकोला टेस्ला ने एज अ लोड हमारे आर्क लैंप पर टेस्टिंग की और पाया कि हमारा आर्क लैंप 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये 60 हर्ट्ज़ पर ही क्यों अच्छे से चल रहा था? तो जब हम 60 हर्ट्ज़ को यूज़ करते थे तो हमारे आर्क लैंप में लाइट कम या ज़्यादा नहीं हो रही थी, मतलब हमारा बल्ब फ्लिकरिंग कम कर रहा था। इसी वजह से निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया। तो एसी करंट के आविष्कार के बाद थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला में इलेक्ट्रिक वॉर होने लगा कि किसका सिस्टम ज़्यादा बेटर है। तो एसी करंट ज़्यादा बेटर होने के कारण निकोला टेस्ला ने ये वॉर जीत ली। इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम लोग एसी सिस्टम का यूज़ करेंगे, जो कि सिंगल फेज 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज़ था। तो दोस्तों इस तरीके से 60 हर्ट्ज का इन्वेंशन हुआ। तो दोस्तों विश्व युद्ध के पहले लगभग सभी देशों के बीच संबंध अब खत्म होने के कगार पर थे। तो जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों को लगा कि हम यूएस वालों का सिस्टम क्यों यूज़ करें, हम लोग अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो दोस्तों उस टाइम पर कॉपर और एलुमिनियम का रेट भी ठीक ठाक था और कॉपर और एलुमिनियम आसानी से नहीं मिलते थे, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे इन लोगों ने पाया कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें और करंट को कम कर दें तो कॉपर का कम यूज़ होता है, क्योंकि करंट कम होगा तो हमारी वायर का साइज भी कम रहेगा। तो उन लोगों ने 110 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट एसी सप्लाई यूज़ करने का फैसला लिया। उस टाइम तक मोटर का आविष्कार भी हो चुका था, जिसका इस्तेमाल औजार वगैरह बनाने वाली कंपनी करती थी। तो यूके के साइंटिस्टों ने पाया कि जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होगा। तो इसी वजह से उन लोगों ने 60 हर्ट्ज़ की जगह 50 हर्ट्ज़ को यूज़ करने का फैसला किया। तो दोस्तों यूके में सिंगल फेज 50 हर्ट्ज़ और 220 वोल्ट यूज़ होने लगा। तो दोस्तों आपको तो पता है कि हमारे देश भारत पर इन्हीं ब्रिटिश लोगों ने राज किया था। तो जब हमारा देश ब्रिटिशियन का गुलाम था तो उसी टाइम पर हमारे देश में पहला पावर प्लांट बनाया, जो कि सन 1897 में दार्जिलिंग में बनाया गया था। ये भारत का सबसे पहला पावर प्लांट था जो कि 50 हर्ट्ज़ के ऊपर काम करता था। इसकी कैपेसिटी 130 किलोवाट थी। जैसा कि दोस्तों ये पावर प्लांट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, तो इन लोगों ने अपनी ही टेक्नोलॉजी यहाँ भारत में यूज़ की थी। तो ये पावर प्लांट 50 हर्ट्ज़ ही जनरेट करता था। तो यूके वालों ने जितने भी इक्विपमेंट बनाए वो सब 50 हर्ट्ज़ के ऊपर चलते थे, और ब्रिटिश लोगों ने धीरे धीरे करके कई सारे पावर प्लांट बनाए जो कि 50 हर्ट्ज़ के ऊपर ही चलते थे। तो ऐसे ही हमारे भारत में 50 हर्ट्ज़ का यूज़ होने लगा। तो दोस्तों अब हमारा देश आज़ाद है, पर हम चाह कर भी इस 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में उस समय पर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे वो सभी 50 हर्ट्ज़ के ऊपर चलते थे। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते तो सारे इक्विपमेंट बेकार हो जाते और 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं चलते। इसलिए हमारे भारत देश ने 50 हर्ट्ज़ को ही चलाना ठीक समझा, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने जो पहला पावर प्लांट बनाया था वो 50 हर्ट्ज़ पर ही काम करता था। तो अब हम चाह कर भी इस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोटर, टीवी, ये सभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। इसलिए हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ ही यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूएसए, जापान, कनाडा ये सभी 60 हर्ट्ज़ को यूज़ करती है,
अपना इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये 50 हर्ज़ का यूज़ करती है। तो मतलब जितने भी ग्लोब पर वेस्ट साइड है वो 60 हर्ज़ को यूज़ करते हैं और हमारी ईस्ट साइड वाली कंट्री है 50 हर्ज़ को यूज़ करती है। तो दोस्तों आपके लिए एक सवाल है कि रशिया में किस फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, मतलब रशिया में 50 हर्ज़ फ्रीक्वेंसी है या फिर 60 हर्ज़ फ्रीक्वेंसी है, आप अपना जवाब नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्युत ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।